दिल्ली सरकार के सोशल जस्टिस मंत्रालय ने एक स्कीम शुरू किया था जिसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और जनरल के बच्चों को, गरीब बच्चों को कोचिंग मिल रही थी, जिसमें आईआईटी और मेडिकल में दाखिले के रिजल्ट आने लगे हैं। मेरे साथ सोशल जस्टिस मंत्री दिल्ली सरकार के राजेंद्रपाल गौतम जी हैं, उनसे इस मुद्दे पर बात करेंगे और जो 96 लोग गिरफ्तार हैं उसमें क्या अपडेट है उस पर भी बात करेंगे, जिस पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और उनको तमाम जो कानूनी सलाह मदद की ज़रूरत पड़ रही है उसको दे रहे हैं। सर, पहले तो निष्ठा दर्शक पर स्वागत है, कितने नतीजे आए हैं इस बार? हमारे 107 बच्चों ने इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग की थी, तो 107 में से हमारे 35 बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल में क्वालिफाई किए हैं, जिसमें से एक बच्चा आईआईटी दिल्ली में है, एक बच्चा ट्रिपल आईटी दिल्ली में है, एक बच्चा एनएसयू आईटी दिल्ली में है, एक बच्चा बीएचयू में है, एक बच्चा एमबीबीएस में मेडिकल में लेडी हार्डिंग में है। और पूरा डाटा आज मेरे पास आ रहा है, चूँकि मुख्यमंत्री जी ने भी मंगवाया है, इसे हम स्कीम को अपग्रेड कर रहे हैं, इसकी फीस भी बढ़ा। पहले साल जो ये स्कीम का नाम था सर, जय भीम, स्कीम का नाम है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। उसमें 131 बच्चे कोचिंग ले रहे थे, लिए थे टोटल बच्चों ने कोचिंग लिए 4961, जिसमें से 107 बच्चों ने इंजीनियरिंग और मेडिकल की कोचिंग ली है। जी 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 जी। लेकिन उसमें ड्यूरेशन कम था और फंड पैसा भी कम था, अब उस पैसे को भी दुगना किया जा रहा है। इस बार कितना बजट कर दिया गया? इस बार बजट बहुत बढ़ा दिया है और इंजीनियरिंग मेडिकल की जो फीस है कोचिंग की, उसको 1,00,000 कर दिया गया है और एक साल का कोर्स कर दिया है, 6 महीने 4 महीने की बजाय। उसमें एससी एसटी ओबीसी को जो आरक्षण वर्ग के श्रेणी के बच्चे हैं उसको अलग से प्राथमिकता दे रहे हैं। इस बार हमने एससी एसटी के साथ साथ अलग से फंड लेके ओबीसी के लिए और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए भी हमने स्कीम बनाई है और उनको भी अगली बार जो एडमिशन अब शुरू होंगे महीने भर बाद उनको भी मिलेगा। तो ये डोमिसाइल दिल्ली का ही हो या जो बाहर से बच्चे आते हैं उनकी भी मदद कुछ कम से कम दिल्ली में पढ़ाई दिल्ली की होनी चाहिए, उनकी 10वीं 12वीं दिल्ली तक हो, दिल्ली का होना चाहिए 10वीं 12वीं और दिल्ली में रहने वाला हो, दिल्ली का डोमिसाइल हो दिल्ली का। सर, कैसा रिस्पांस मिल रहा है और इस बार कितने बच्चों के कोचिंग की उम्मीद है जिससे मदद मिलेगी जय भीम योजना में? अगर तीनों कैटेगरीज को लगा लें तो करीब 15,000 बच्चों को कोचिंग मिलेगी और लोगों में बहुत करेज है इसको लेके। पूरे देश से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, वो निवेदन करते हैं कि उनके बच्चों को भी इसमें कोचिंग दिलाएं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, दिल्ली की सरकार है, हमारा छोटा सा फंड है तो वो दिल्ली के बच्चों के लिए हम खर्च कर सकते हैं, पूरे देश के राज्यों के बच्चों के लिए तो दिल्ली में नहीं बना सकते। लेकिन मैं ये ज़रूर निवेदन करूँगा बाकी राज्यों की सरकारों से कि वो भी जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को रेप्लिकेट करें, चाहे वो जो भी नाम रखना चाहें वो भी रेप्लिकेट करें, ताकि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी और गरीब बच्चों को उसका लाभ मिल सके। ये कंसेप्ट आपने दिया था, सीएम साहब ने इसको अप्रूव किया और अब सरकार ने जनरल के लिए भी इसकी व्यवस्था की है। जी, योजना सफल हुई थी बिल्कुल। सर, ये जो 96 बच्चे गिरफ्तार हुए हैं रविदास मंदिर वाले इशू में, उसमें कोई अपडेट है, कोई जानकारी है, खबर चल पता चल रहा है? हमारे पहली बात तो मैं बता दूं कि 96 जो बच्चे अरेस्ट हुए हैं, इसमें जो सूचना इस तरह की मिल रही है कि बहुत सारे बच्चे गोविंदपुर में मेट्रो स्टेशन या कोई रविदास मंदिर अम्बेडकर भवन से भी गिरफ्तार करके, मतलब झूठा उनको फंसा दिया, जो लोग वहाँ उसमें शामिल भी नहीं थे, तो ये गलत है। पुलिस की कार्रवाई, मुझे लगता है उसकी फुटेज निकाल के पुलिस को रेस्टोर करनी चाहिए, ताकि ये सच पता लग सके कि किसने इस तरह की हरकत की और कौन बेकसूर है। सर, आप मिले भी हैं जो पीड़ित लोग हैं, जेल में बंद हैं, जो युवा हैं, उनसे मिले हैं, क्या बातचीत हुई और क्या कहा उन लोगों ने, क्या बातचीत हुई? बच्चों ने बताया कि उनको गिरफ्तार मेट्रो स्टेशन से, किसी को रविदास मंदिर से, जिसके गले में नीला गमछा देखा या नीली टोपी देखी या टी शर्ट संत गुरु रविदास जी की या बाबा साहेब की या बुद्ध की देखी, उन सबको उसी से गिरफ्तार कर लिया। तो ये तो कोई न्यायप्रिय कार्रवाई नहीं हुई ना। जो लोग अगर किसी ने कोई तोड़फोड़ की है, पर इंडिविजुअली उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये थोड़ी ना है कि आप जिस मर्जी को उठा के बंद कर देंगे। तो हम इस केस को मजबूती से लड़ेंगे, हमारे वकील साथी इसको देख रहे हैं और हम इस मुद्दे को ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं हैं और बेकसूर बच्चों के साथ हम लोग खड़े हैं, उनको हर तरीके से न्याय दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। मंदिर मामले में कुछ अपडेट है सर? आपके सरकार ने रिजोल्यूशन पास कर दिया, आपने भी विधानसभा में अपनी बात रखी है, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार या एलजी से कोई बात? अभी हमने जो उसमें रेजोल्यूशन पास किया वो विधानसभा के माध्यम से तो केंद्र सरकार पर जा ही रहा है। मैं भी इंडिविजुअली डीडीए को चिट्ठी लिख रहा हूँ, क्योंकि विपक्ष के नेता ने एक मुद्दा उठाया था कि अगर इसको डिफॉरेस्ट कर दें दिल्ली सरकार
तो वो मंदिर बनने का रास्ता आसान हो सकता है। तो हमने जब उसके कानूनी पहलू को पढ़ा तो उसमें जो ओनरशिप राइट लैंड का जिसके पास होता है उसको एक फॉर्मेट में एप्लीकेशन मूव करनी होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि इस एरिया को एक पब्लिक इंटरेस्ट में इस फला काम के लिए चाहिए और इसको डिफॉरेस्ट किया जाए। तो हम निवेदन करेंगे, मैं खुद लिखूंगा डीडीए को कि डीडीए चूंकि ओनर है इसका और कानूनी रूप से डीडीए का अधिकार बनता है कि वो एप्लीकेशन मूव करे, तो उसको अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो मूव करेंगे तो उसको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हम लोग रिकमेंड करके उसको डिफॉरेस्ट करने के लिए निवेदन करेंगे ताकि संत गुरु रविदास जी का मंदिर वहीं पर बनने का रास्ता खुल सके और हम हमारी न्याय व्यवस्था और हमारी कानून व्यवस्था भी बरकरार रहे। तो ये थे दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्रपाल गौतम जी जो लगातार आपको बता रहे थे भीम योजना हो या रविदास जी का मंदिर, लगातार अपने स्तर से सरकार की तरफ से इनिशिएट कर रहे हैं और जो बहुजन आंदोलनकारी जेल में बंद हैं उनकी रिहाई के लिए भी लगातार कोशिश करें। शुक्रिया सर हमसे बात करने के बाद फिर से। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।